हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल दिस इज़ पी यू हैश आपका अपना चैनल और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त मोहिनी सो so, आज का वीडियो बहुत लाजवाब है आपको सिर्फ फाइव मिनट्स में आपकी पुरानी सी खराब सी टेबल या फिर आपकी जो टीवी ट्रॉलीज़ होती हैं या कोई भी पुरानी ऐसी अलमीरा है जिसको आपको लगता है कि अब इसका कोई भी कुछ भी नहीं हो सकता है तो आप उसे कैसे मिनटों में नया बना सकते हैं चलिए मेरे साथ देखते हैं और हाँ अगर इस वीडियो को आप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेक श्योर sure इसे लाइक like कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर कर, कर दीजिएगा चाहे आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं ट्विटर फेसबुक यूट्यूब जो भी चीजें आप यूज करते हैं आप उस पर इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं तो सिर्फ मिनटों में कैसे मैंने अपनी पुरानी सी एक यूनिट को आ, बेसिकली वो टेबल कॉर्नर थी मैंने उसे एक वो डी करके एक टेबल क्रिएट कर रखा था और अपनी टीवी यूनिट के तौर पे उसे मैंने यूज़ किया था तो मैंने उसको कैसे री किया है चलिए मैं आपको दिखाती हूँ और सो so, ये है वो पुरानी टेबल जो मैं आपसे शेयर कर रही थी और ये बहुत ही कलरफुल सी थी वैसे ये काफ़ी अच्छी लगती थी पर मुझे यहाँ पे कुछ वाइट कलर का चाहिए था तो यहाँ मैंने लिया है वॉलपेपर ये ऑनलाइन आप मंगा सकते हैं फ्लिपकार्ट से मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और ये आ, मैं यहाँ पे पूरे टेबल का ये मेज़रमेंट ले रही हूँ करीब वन एक राउंड पूरा उसमें लग चुका है मेरा और ये बन के बहुत सुंदर लगता है आप किसी भी चीज़ पर पे इसे पेस्ट कर सकते हैं और यहाँ पे मैंने इस टेबल का पूरा मेज़रमेंट लेने के बाद इसे इस तरीके से आप जिस तरीके से टेप हम निकालते हैं स्टिकर्स होते हैं उस तरीके से ये पेस्ट होता है तो हमें कोई एक्स्ट्रा इसमें फेविकोल या टेप वगैरह नहीं लगाना पड़ता जस्ट आप इसको आ, पेस्ट कीजिए और इसे प्रेस करते जाइए आपकी फिनिशिंग अच्छी आनी चाहिए आपको प्रेसिंग अच्छी तरीके से आनी चाहिए अदरवाइज़ इस पर अगर सुकड़े पड़ जाएंगे या फिर लाइंस आ जाएंगी तो बहुत ही ख़राब लगती है देखने में तो ये एक लुक क्रिएट कर देता है लाइक यहाँ मैंने पहले इस टेबल को अच्छी तरीके से क्लॉथ से साफ़ कर लिया था ताकि इस पर जो भी डस्ट हो अच्छे से रिमूव हो जाए उसके बाद मैंने इसे अच्छे से मेजरमेंट करके और इसकी पेस्टिंग कर

तो बहुत ही कम टाइम में ये बहुत ही अच्छे तरीके से पेस्ट हो जाता है और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग देता है एक जैसे मार्केट से हम न्यू टेबल लेके आते हैं या न्यू अलमीरा या कोई भी न्यू ऐसा जिसको आप मेकओवर uh, करना चाहते हैं तो बिल्कुल एक न्यू लुक क्रिएट कर देता है तो मैंने इसको यहाँ पर पूरा कर लिया है कम्प्लीट इसको uh, पूरी तरीके से अच्छे से मैंने इसे साइड में ऊपर अंदर क्योंकि अंदर का जो पार्ट था वो उसको लगाने में काफ़ी टाइम लग रहा था तो तो उसके कटिंग्स पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है और इस तरीके से मैंने पूरा इसे अच्छे से कर लिया था और यहाँ पे है मेरा ये फाइनल लुक आप देख सकते हैं अलमीरा हो गई है कंप्लीट और बहुत ही खूबसूरत लग रही है आप भी अपने घर में इस तरीके से कुछ मेकअप कर सकते हैं अब यहाँ पे कुछ फोटो फ़ोटोज़ थी बहुत ही बुरी कंडीशन में थी क्योंकि ये बहुत ही पुरानी फ़ोटोज़ थी और मैं इनको बहुत संजो के रखना चाहती थी क्योंकि ये है हमारी बचपन की यादें और इसमें मेरे हस्बैंड की बहुत छोटे की फ़ोटो भी है और इसमें मेरी मदर इन लॉ फादर इन लॉ मेरी सिस्टर इन लॉ सभी की फ़ोटोज़ हैं तो यहाँ पर मैं उसका भी मेक ओवर कर रही हूँ मेरे पास ये ब्लैक कलर की एक शीट थी पेपर शीट जो मैंने इसे अच्छे से इसे पेस्ट कर दिया फेविकोल लगा के और एक बॉर्डर की तरह कट करें कर लिया है उसके बाद मैंने यहाँ पे उसको पेस्ट करना शुरू कर दिया है आप चाहे तो इसकी जगह पे ब्लैक टेप भी ले सकते हैं मैंने इसलिए इससे कर लिया मेक और यहाँ पर मैंने सारी फोटोज को अच्छे से फेविकोल लगा के उस पर शीट कर दी है पेस्ट और बहुत ही और इसमें कर रही है पीहू मेरी हेल्प और बहुत ही कम कम टाइम में ये हो गए ये तैयार सारी फोटोज देख सकते हैं ये है फाइनल लुक और बहुत ही प्यारी लग रही है पीछे से बहुत खराब हो गई तो मैंने उस पर लगा दिया है सेलो टेप